गुरुवार को कुशीनगर के दुधई में ट्रेन की चपेट में आने से स्कूली वैन में सवार 13 बच्चों की मौत ने कुछ ऐसा असर दिखाया कि शुक्रवार को सुबह का नज़ारा ही बदल गया है। गार्जियन खुद ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल पड़े। पेश है हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। कुशीनगर में दिल को दहला देने वाली 13 बच्चों की अचानक स्कूल जाते समय ट्रेन की स्कूली वैन से हुई टक्कर से मौत हो गई। कलेजे को चीर देने वाली खबर जब अपना पांव पसारना शुरू की तो पूरे देश में इस दर्दनाक हादसे की गूंज घरों तक पहुंची और न जाने कितने दिलों की धड़कने तेज हो गईं। इस हृदय विदारक घटना को देखते हुए अगले ही सुबह यानी शुक्रवार को गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के माँ बाप के चेहरे सहमे हुए दिखे। बच्चों की मौत की चीख ने इतना ज्यादा इंसानी जहन में असर किया, इसी का एक नज़ारा आज स्कूल छोड़ते हुए माँ बाप की आंखों में दिखाई दिया। ये वो गार्जियन हैं जिनके बच्चे या तो स्कूली बस से जाते हैं या फिर वैन से। कल की हुई घटना से इतना ज़्यादा सहम गए हैं कि इनका भरोसा अब स्कूली इंतजामात से उठ चुका है। आज गोरखपुर महानगर में अधिकांश गार्जियन अपने बच्चों को अपने साथ अपने साए में महफूज रखते हुए स्कूल छोड़ते नजर आए। सभी का भरोसा स्कूली बसों के ड्राइवरों से उठता दिखाई दे रहा है। चूंकि 24 घंटे पहले की ये घटना है, इसलिए हो सकता है अभी कुछ दिन तक इसका असर उन माँ बापों के जहन में घर कर गया हो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मगर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सिर्फ ये सावधानी किसी दुर्घटना के बाद नहीं बल्कि हर दिन की होनी चाहिए। अगर आप गार्जियन हैं तो आपकी ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपका बच्चा कैसे और किस तरह के वाहन से स्कूल जाता है, इसकी पड़ताल आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं तो दुधही कुशीनगर जैसी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी और यूं ही कलेजे को छन्नी करती रहेंगी। अपने कलेजों के टुकड़ों को अपने सीने से चिपकाकर स्कूल छोड़ने आए कुछ गार्जियनों से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से इसके बारे में कहा। कितने लोग जाते हो तुम लोग ये टेम्पो से? 6 लोग जाते हो। ये डेली 6 लोग जाते हो या फिर और दिन ज्यादा बच्चे? कभी कभी 7 बस, और कभी कभी 8। हाँ, कभी कभी 8 बच्चे हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, या सुबह से हम स्कूल आते हैं तब तो नहीं जाते हैं। सुबह के समय? हाँ, 8 बच्चे तक हो जाते हैं। कभी-कभी। सारे विद्यालय बंद है लेकिन हो सकता है इनके यहाँ विद्यालय कल, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उसके कारण हो सकता है कि आज इन लोगों ने ना बंद किया हो, क्योंकि कल फिर परसों संडे और मंडे बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, उसके कारण इन्होंने विद्यालय आज खोल रखा होगा। तो एक छोटा बेटे को तो मैं ले ही ले जाता हूँ, बड़ा बेटा है उसको आज, क्योंकि कल की इतनी हृदय विदारक घटना रही और जो वैन और हाल है आज की डेट में ऑटोज का, उसमें 5 या 10 बच्चे, 7 बच्चों की कैपेसिटी है और 14-14 बच्चे बैठाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे लगी तो मैंने ये सोचा कि आज से मैं अपने बड़े बेटे को भी ले जाऊंगा और ले आऊंगा। पहले टेम्पो से आता था? हाँ, बड़ा बेटा टेम्पो से आता, छोटे वाले को तो आज भी लाता हूँ मैं अपने ही। लगे आप? एक चिंता, एक मना स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कल की हृदय विदारक घटना को देखते हुए कि मैं आज खुद लेने आया हूँ स्वयं ही बच्चे को। वहीं इसके बारे में SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये गार्जियनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि उनका बच्चा किस तरह से स्कूल जाता है, इस पर उनको नजर बनाई रखनी पड़ेगी। इस बारे में उन्होंने आगे बताते हुए कहा, हमारी अभी RTO से बात हुई है, हम लोग बैठ के स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि हम लोग क्या करना है, किस प्रकार की सभी जो है गाड़ियाँ फिटनेस युक्त हों और किसी प्रकार का टेक्निकल डैमेज ना हो और सही तरीके से गाड़ियाँ चले जिससे कोई दुर्घटना ना हो। तो अभी हाल में कुछ गाड़ियों का फिटनेस चेक भी हुआ था, इस तरह फिटनेस चेक करने का क्या अभियान चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो उन ड्राइवरों से या उस स्कूल वालों से क्या कहेंगे कि जो बस चलवा रहे हैं या ऑटो से बच्चों को?
ड्राइवरों और ऑटो वालों से तो कम अनुभव है, हमारा गार्जियन से ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका बच्चा ओवरलोडेड वाहन में जा रहा है, तो उनको ये देखना चाहिए कि हम ऐसे वाहन का इस्तेमाल करें या ऐसे साधन का इस्तेमाल करें जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो। वो जरूरी नहीं है कि आप 15 से 15 बच्चे वाले जो आप उसको बायकॉट करिए, आप उस ऑटो वाले के साथ में बच्चे को भेजिए जो 6 या 7 सवारियां ले, आप ऑटो वाले से डील करिए सर, बाकी काम तो हम लोग चेकिंग करने का है, लेकिन समस्या इस बात की अगर 12 सवारी लेकर बच्चे जा रहे हैं, हम कहाँ पर उनको उतार के उसका चालन करेंगे, तो इस चीज़ को उस एंड पे भी उनको देखना पड़ेगा और हम लोग भी अपने चेकिंग वाले स्तर पे देखेंगे, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन जरूरी है, मतलब अभिभावक को जागरूक होने की जरूरत है, अभिभावक को भी जागरूक होने की जरूरत है कि मतलब ये बच्चा जा रहा है कैसे, कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, 10 बच्चे चले जा रहे हैं, क्या आप गार्जियंस नहीं देख रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए, बाकी हम लोग भी जहाँ देखेंगे उसको कार्रवाई करेंगे, लेकिन गार्जियंस को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। कल की घटना देखा जाए तो ड्राइवर को ईयरफोन लगा करके गाड़ी चलाते पाया जाए, क्या इस तरह की ये आप कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोगों ने यहाँ पे अभी लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग ईयरफोन लगा के ड्राइविंग मत करिए, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, चाहे 3 पहिया वाहन हो, इस विषय भी हमने लोगों को जागरूक किया और हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको जागरूकता करते रहेंगे। ये शायद वो ड्राइवर अगर जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाता तो इतने घरों के दिए एक साथ नहीं बुझते, अगर वो ड्राइवर अपने कानों में ईयरफोन लगाए गाना नहीं सुनता तो बच्चों की कलेजे को फाड़ देने वाली चीखें हमें नहीं सुनाई देती।